मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जो और आपके लिए लाए हैं बिजनेस और फाइनेंस का न्यूज। चलो देखते हैं आज क्या है बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की तड़का वाली खबर। पहला खबर नाइका कंपनी से। ई कॉम एंड फैशन कंपनी जो अभी कुछ दिनों पहले आईपीओ लेकर आया था, और ये एक ऐसा कंपनी था जब आईपीओ लेके आया तब उसके बुक्स ऑलरेडी प्रॉफिट में थे। अच्छा खासा गेन किया था इसने स्टॉक मार्केट्स में और पिछले 7 दिन से कंटिन्यूस उनका वैल्यू ग्रो हो रहा था, लेकिन अभी उसने थोड़ा सा डिप लिया है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। नाइका का 52 वीक हाई 2573 था और 52 वीक लो 1571 था। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जब स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाते हैं तो वो लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं और प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अगला खबर बिटकॉइन से। बिटकॉइन विंटर ये एक टर्म कॉइन किया गया है। बेसिकली जैसे स्टॉक मार्केट में एक बेयर फेज होता है स्टॉक्स का, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में जब एक प्रोलॉन्ग फेस मतलब थोड़े लंबे समय के लिए जब उसका प्राइस गिरता है उसे कहता है बिटकॉइन विंटर। तो ये बिटकॉइन विंटर के वजह से अभी इन्वेस्टर्स जो हैं अलग अलग दूसरे टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करने शुरू किया है, इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है। अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे तो इथेरियम जो है 27% का ग्रोथ लिया है, सोलाना जो है 28% का ग्रोथ लिया है एंड पोलका डॉट 23% ग्रो किया है। ये एक तरीके से अच्छा है कि बिटकॉइन का जो मोनोपोली है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में वो थोड़ा सा ब्रेक होगा और बाकी क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स में भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहेगा। अगला खबर फार्मा इंडस्ट्री से। क्रैम्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये एक नया निश पिकअप हो रहा है। निश मतलब एक नया इंडस्ट्री पिकअप हो रहा है जहाँ पे दवाई बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, दवाई बनाने का रिसर्च किया जाता है। ये छोटे छोटे कंपनीज करते हैं और बाद में ये बड़े कंपनीज को ये अपना काम देते हैं। जैसे रिसर्च किया तो वो काम बेचते हैं या बड़े कंपनीज के लिए वो लोग दवा बनाने का काम करते हैं। फार्मा सेक्टर में जो ये सेक्टर है क्रैम्स वाला, ये बहुत ग्रो हो रहा है और जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं वो लोगों को भी इस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है। एस्पेशली अभी जो वायरस आया था लाइक हाइब्रिड वायरस, कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन वायरस, ये सब वायरसेस के वजह से ये इंडस्ट्री में काफ़ी अभी इन्वेस्टर्स का नज़र है क्योंकि इस इंडस्ट्री में अब नया नया रिसर्च हो रहा है तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट्स इन कंपनीज़ को मिलेगा। अगला खबर ऑटो इंडस्ट्री से एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री से। ये एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है फॉर ऑलरेडी पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल ओनर्स के लिए। जैसे पहले सीएनजी का गैस का किट आता था जो हम फिट कर सकते थे हमारे पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स में एंड सीएनजी भर के वो व्हीकल चल सकता था, इसी तरीके से अभी इलेक्ट्रिकल किट आएगा जो हम हमारे पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स में फिट कर सकते हैं और हमारा गाड़ी बन जाएगा पेट्रोल से या डीजल से बन जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। इनफैक्ट दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तो ऑलरेडी ऐसे व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। अगला खबर लिव स्पेस, एक होम इंटीरियर एंड होम रेनोवेशन कंपनी। इन्होंने अगला राउंड ऑफ फंडिंग उठाया है, वो है $180 मिलियन का। ये फंड रेसिंग करने के साथ साथ अब इस कंपनी का वैल्यूएशन हो गया $1.2 बिलियन। इसका मतलब ये है कि लिव स्पेस भी अभी बन गया है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब स्टार्टअप्स जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर गया है। और लिव स्पेस ने ये जो फंडिंग पिकअप किया है ये प्राइवेट इक्विटी फंड KKR से पिकअप किया है। अगला खबर स्टॉक मार्केट से। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक प्राइसेस काफ़ी गिर रहे थे लेकिन ये 5 ऐसे कंपनीज है जिसने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड किया है और ये 5 कंपनीज है जिसने अपना सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज किया पिछले ट्रेडिंग सेशन में। इंडियन मार्केट्स एंड एशियन मार्केट का लेटेस्ट अपडेट। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 187 पॉइंट्स अप, निफ्टी 53 पॉइंट्स अप, USD INR 0.05 रुपीस अप एंड गोल्ड 124 अप ट्रेड कर रहा है। आज सवेरे निकी 180 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है, शंघाई 1 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है एंड सिंगापुर इंडेक्स
10 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में निफ्टी चार्ट्स में देखेंगे तो आप देखेंगे डे बिफोर येस्टरडे का ट्रेडिंग सेशन में जो फॉल हुआ उसके बाद येस्टरडे मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,600 से 17,700 और मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 16,900 और वहाँ से अगर नीचे गया तो हमारा अगला टारगेट होगा 16,400 का। देखते हैं आज मार्केट में क्या होता है। स्टॉक पिक ऑफ द डे में आज चूज़ करता हूँ आदित्य बिरला कैपिटल। ये एक 1 आवर का चार्ट है। जैसे आप देख सकते हैं मार्केट इज़ ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। यहाँ पे 115 एंड 120 पे अच्छा खासा एक सपोर्ट दिख रहा है, तो अगर आपको इस रेंज में आपको प्राइस मिल रहा है तो आप यहाँ पे एक बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 105 एंड पहला टारगेट आप रख सकते हैं अराउंड 125 टू 130 का एंड सेकेंड टारगेट आप रख सकते हैं 140 से लेके 145 का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे माय फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार।